नहीं सर, वो मैंने आपको ही बताया, वहाँ पे नहीं बताऊंगी सर। जैसे बार बार करंट अफेयर्स को देखो, पढ़ो करंट अफेयर्स को, छोड़ो जी सर, मैं ट्राई तो बहुत कर रही हूँ। खासतौर से राजस्थान का करंट अफेयर्स है जी सर, थोड़ा बहुत आज देश में क्या चल रहा है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हो? यस सर। तो ये सब चीज, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और अभी जो ला है वो तो करंट वाला ही कनेक्ट होगा वहाँ जी सर, क्योंकि वो एग्ज़ाम आप दे चुके और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर चुके, ठीक है। उसमें थोड़ा थोड़ा जो ट्विस्टिंग पार्ट है हम लोग पूछते हैं उसे, लेकिन अभी जैसे करंट की चीज़ें हैं, किसी कानून की एप्लीकेबिलिटी है, वो आपको सर। जैसे कल आपने वो चंडीगढ़ का बताया था, तो आज मैंने उसको पूरा मतलब रीड करा। अच्छा। और मतलब मैं अभी टॉपिक्स कलेक्ट कर रही हूँ कि हाँ, लेकिन आज चंडीगढ़ वाला क्वेश्चन नहीं आया आपके सामने? नहीं, आज आना तो नहीं था, बट मुझे पता था ना कि भी ये करंट में चल रहा है, पूछ सकते हैं वहाँ पर, तो पूछ ही सकते हैं ना, तो इसीलिए मैंने पढ़ा। ओके मैम। और जो एक लिस्ट बना लो करंट अफेयर्स की, नहीं आप अपनी एक लिस्ट बनाओ कि फॉर द पर्पज ऑफ इंटरव्यू क्या क्या पढ़ना है जी सर। ये मत बनाओ कि सारे सिलेबस को आप लेके बैठ गए, फिर सिलेबस एक बोझ लगने लगेगा अभी कि टाइम आ रहा है नज़दीक और अभी हमें सारा सिलेबस रिपीट करना है, वो मत करो। एक अपना पन्ना बना लो और ये बात आपको पता लगते जाएगी हमारे यहाँ जो इंटरव्यू हो रहे हैं उससे कि कहाँ कहाँ क्या क्या पूछ रहे हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये ऐसे एरिया हैं जिन पर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चंस इंटरव्यू में आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पे, जो रोज काम, इंपॉर्टेंट का मतलब है जो रोज काम आता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेबल नहीं, जो रोज काम आता है। जब आप जहाँ जाएंगे, जैसे सर जज रहे हैं तो पूरी जिंदगी उनके सामने जो जो जैसे चीजें जब सबसे ज्यादा काम आई उन्हें ये मैक्सिमम पूछ रहे हैं, वही रिपीट होगी, ठीक है। करंट अफेयर्स को, ड्रेस आज भी अच्छी है आपकी, बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। हाँ, एक कल भी थी, सर कल मैं मैम बहुत धीरे बोल रही थी तो सर बोले कि थोड़ा मतलब वो करो, थोड़े से हंबल होके। ओके मैम, नहीं ठीक है, आई हैड ट्राइड माय बेस्ट और आंसरिंग नॉलेज। और अपने वैसे तो हम उसको कल नहीं मिल पाया होगा, आज वो दे देंगे, कल वाले इंटरव्यू दे देंगे, क्लिप दे देंगे और हम उस पर भी डाल के देखेंगे कि क्या कमेंट आते हैं। तो उससे ये क्या होता है, इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। अपने अपने घर में भी दिखाओ और लोगों को भी दिखाओ, ये संकोच करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि साहब हमारा ये इंटरव्यू नहीं, सबको दिखाओ, हाँ नहीं सबको दिखाओ, ये इम्प्रूव करने का जरिया है। इंटरव्यू जो चल रहे हैं ये इम्प्रूव करने के लिए हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि राजस्थली में इंटरव्यू का लेवल वही है जो लेवल आप वहाँ दे के आएंगे जी सर। ये तो मतलब बिल्कुल मतलब फॉर्मल इंटरव्यू जैसा है ये। हाँ, यहाँ पे इसमें कोई कमी नहीं छोड़ रहे। और यहाँ इंटरव्यू जो हो रहा है इसके लिए लगता है सर मोबाइल पे देखो तो कि भाई ठीक है ये इंटरव्यू है, लेकिन यहाँ कितना तामझाम लगा हुआ है, इतनी लाइटें लगी हुई हैं, कितने कैमरे लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो सर, आपके प्रॉपर जेस्टर्स को इनको सब मतलब बहुत ज्यादा हाई है, तो उसको मैंने लो करने के लिए ट्राई कर दिया, वहां से बैठेंगे ना, मैं मतलब ट्राई करती हूं लेकिन मेरी मतलब ऑटोमेटिकली मतलब बहुत ज्यादा तेज है। ठीक है, तो कल मैंने ट्राई करा धीरे बोलने के लिए, तो वो सर बोलते कि आप वर्ड्स खा रहे हो, तो आज मैंने थोड़ी क्लैरिटी के साथ बोला। आज मैंने क्लैरिटी के साथ पिछले इंटरव्यू में जस्ट साहब ने इसलिए आपसे बोला क्योंकि आप दबाने की अननेसेसरी कोशिश कर रहे हैं, आज आप अपने नॉर्मल पिच पे थे। हां मतलब नॉर्मल से तो कम पे ही थी, बट ठीक है। हाँ, मतलब लेकिन ये मेंटेन कर सकते हैं। कल वाले में मैं मतलब ऐसा ट्राई कर रही थी कि हाँ मतलब नहीं बोलूं तेज, नहीं बोलूं तेज, नहीं, जैसे हम खींचने की कोशिश करेंगे, जैसे हम डाउन करने की कोशिश करेंगे तो वो नॉर्मल नहीं रहेगा। जैसे हो वैसे ही शो करो, जैसे आपको, क्योंकि वहां थोड़ी चेयर आपकी और दूर होगी। ओके मैम। सर एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड? ठीक है, बेस्ट, बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू सर।